हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार राज्य में स्थित बक्सर ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बक्सर ज़िला, यह ज़िला भारत देश के बिहार राज्य में स्थित बिहार के कुल 38 जिलों में से एक बक्सर जिला के नाम से जाना जाता है। बक्सर जिला भारत देश के उत्तर भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है। बक्सर जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस बक्सर शहर में मौजूद है, और बक्सर जिला पटना मंडल के अंतर्गत आता है। बक्सर जिला की स्थापना सन 1991 में हुई थी। बक्सर जिला पहले भोजपुर जिला का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1991 में भोजपुर जिला को बांटकर दो भागों में कर दिया गया। एक को बना दिया गया भोजपुर जिला और दूसरे को बक्सर जिला। बक्सर जिला के पड़ोसी जिले का नाम रोहतास जिला, दूसरा भोजपुर जिला और तीसरा कैमूर जिला है। बक्सर जिला में 11 ब्लॉक, 4 तहसील, 2 नगर परिषद, 6 बैंक, 1 कॉलेज, 1 बिजली घर, 13 मुख्य सरकारी अस्पताल और 1142 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो बक्सर जिले का कुल क्षेत्रफल 1624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बक्सर ज़िला की कुल आबादी 17,06,352 है। इस ज़िले का औसत लिंगानुपात 922 के करीब है, यानी कि बक्सर ज़िला में 1,000 पुरुष पर 922 महिला हैं। बक्सर ज़िला के मुख्य नदी का नाम गंगा नदी व कर्मनाशा नदी है। कर्मनाशा नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला बिहार की राजधानी पटना से महज 115 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 974 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। बक्सर ज़िले का वाहन पंजीकरण संख्या BR44 है। इस ज़िला में हिंदू धर्म की आबादी 93% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 7% है। बक्सर जिला के बोले जाने वाली मुख्य भाषा भोजपुरी व हिंदी है। बक्सर जिला में 97% लोग भोजपुरी बोलते हैं, बाकी 3% में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मैथिली शामिल है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के वासी बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 84 गुजरती है, जो आगे चलकर बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो बक्सर ज़िले का मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम बक्सर रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म व 4 पटरी शामिल है। बक्सर ज़िले का स्टेशन कोड BXR है। बक्सर रेलवे स्टेशन हावड़ा दिल्ली लाइन, पटना मुगल सराय लाइन पर स्थित है, और यह रेलवे स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के दानापुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे बक्सर ज़िले की साक्षरता दर 70% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 70% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है।
इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: डीके कॉलेज, एमबी कॉलेज, शहीद रविकांत मेमोरियल बीएड कॉलेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, मोहम्मद शहबान मेमोरियल पीजी कॉलेज, पृथ्वी शिव किशन मजदूर बालिका पीजी कॉलेज, शिवराज स्मारक महाविद्यालय आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। ये जितने भी स्कूल व कॉलेज हैं ये सभी बक्सर ज़िला में ही मौजूद हैं। अस्पताल की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे अस्पताल हैं जो कि लोगों को स्वस्थ रहने में अपनी सेवा देते हैं। यहाँ के मुख्य अस्पतालों में शुमार माँ शिवरात्रि हॉस्पिटल, पार्वती हॉस्पिटल, माँ मुंडेश्वरी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, श्री विश्वमित्र हॉस्पिटल, देवराज हॉस्पिटल और राधिका हॉस्पिटल शामिल है। पर्यटन स्थल की बात करें तो बिहार का बक्सर जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। पर्यटक स्थल की बात करें तो यहाँ पर बक्सर का किला और चौसा का मैदान, बता दूं कि चौसा का जो जिसे बक्सर का भी युद्ध कहा जाता है वो इसी जिला में हुआ था और जिसे हम चौसा का मैदान कहते हैं। मुगल काल में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुई लड़ाई चौसा का युद्ध कहलाती है। इसके अलावा कटखौली का मैदान, टाउन हॉल पार्क, ये सभी इसी ज़िला में मौजूद हैं जो कि लोगों को अपनी तरह अट्रैक्टिव करते हैं। इसके अलावा यहाँ के कुछ होनहार पुरुषों की बात करें तो, यानी कि प्रसिद्ध लोगों की बात करें तो, यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिसे भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था, उनका जन्म इसी बक्सर ज़िला में हुआ था। इसके अलावा हरिहर सिंह जो कि बिहार के पूर्व सीएम है और हिंदी साहित्य के होनहार कवि भी रहे हैं, लल्लन प्रसाद जो कि आईएएस हैं, इसके अलावा गुप्तेश्वर पांडे ये भी आईएएस हैं। दोस्तों, ये जो बक्सर ज़िला के बारे में हमने आपको जानकारी बताई ये आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। बाकी यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियोस पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।